गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज। राइट, नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लीवर, जो ह्यूमन बॉडी वाला लीवर नहीं। राइट, लीवर एक ऐसा टूल है दैट helps you in lifting and heavy goods. कोई भारी सामान को लिफ्ट करने में तुमको हेल्प करेगा। जैसे हॉस्पिटल में एक आदमी ऐसे सोया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड वो फोल्डिंग बेड होता है, मालूम है, बेड के यहाँ सामने में एक ठो चक्का सा होता है घुमाने वाला। द मोमेंट यू स्लाइट जस्ट गिव अ स्लाइट एफर्ट, ज्यादा एफर्ट देने का दरकार नहीं पड़ता है, तुम थोड़ा सा एफर्ट देता है, राइट, यू गिव अ स्मॉल एफर्ट, नॉट दैट मच, एंड दैट पर्सन इज लिफ्टेड। और ऐसे अगर किसी आदमी को उठाना रहेगा तो पूरा जोर लगा के, इनफैक्ट आजकल तो रिमोट कंट्रोल सिस्टम आ गया है, ऐसे अप करो पूरा उठ जाएगा, बस 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 बस, बस, बस. फिर डाउन करो फिर सो जाएगा। राइट, सो लीवर, लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है कि एक छोटा सा एफर्ट आप देंगे एंड इट विल हेल्प यू टू लिफ्ट द हैवी गुड्स व्हीकल। आज बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप देखते होंगे 40 तले का बिल्डिंग बना है, तो जो मटेरियल्स होता है उसको 40 तला तक लेके जाना पड़ेगा, लीवर से उसका इस्तेमाल होता है। राइट, सो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। तो लीवर का मतलब समझा, लीवर क्या काम करेगा? राइट, तो यहां पे हम लोग का लीवर क्या है, इन दिस चैप्टर हम लोग का लीवर क्या है? अगर आप लास्ट क्लास देखेंगे, यहां पे द लीवर वॉज इंटरेस्ट। इफ यू केयरफुली सी, यहां पे द लीवर वॉज इंटरेस्ट। ड्यू टू दिस इंटरेस्ट का प्रेजेंस, इक्विटी शेयर होल्डर वेयर गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न। इसी के कारण ना, डिवेंचर होल्डर से जो तुम बोरो किया उसको खाली 10% देना है, लेकिन तुम उन्हीं का रुपया पे 15% करके कमा रहे हो। डिवेंचर होल्डर का पैसा पे आपने डिवेंचर होल्डर से 10% में बोरो किया, लेकिन आप उन्हीं का रुपया पे 15% कमा रहे हैं, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा उतना आपके लिए बेटर है ना। जितना ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा उतना बेटर है। लेकिन सर, यहां तो हम लोग पिट गया, अर्निंग पर शेयर गिर रहा था, जहां पे हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इंटरेस्ट रेट से भी कम था। तो लीवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट, ये बात समझ में आ गया हमको। लीवरेज का मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई पूछेगा लेवरेज का मतलब क्या है, तो मैं उसको यही बोलूंगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच the firm pays a fixed cost or fixed return this is leverage
राइट अगर आप कोई एसेट भाड़े पे लेते हैं, उसका मंथली रेंट फिक्स कॉस्ट हो गया, हाँ? अगर आप एसेट खरीदेंगे तो मंथली रेंट तो नहीं लगेगा, लेकिन पैसा कहां से आएगा? उसको आपको बोरो करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेंगे, बैंक वाला को इंटरेस्ट देंगे, तो वहां भी एक फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है। टेकिंग एसेट ऑन रेंट, दिस इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और इधर में बोरोइंग ऑब्लिक टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो यहां पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे, हाँ या ना? बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। टेंशन हो रहा है सर, टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। खर्चा पाल लिए हैं आप, खर्चा पाल लिए हैं, रेवेन्यू हो नहीं हो इसको देना पड़ेगा। रेवेन्यू हो नहीं हो इसको देना पड़ेगा, लेकिन इसके कारण आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट एलिमेंट डालेंगे उतना अच्छा है ना। पहला ऑप्शन में आप डिबेंचर बोरो ही नहीं कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर नो। दूसरे में आप 25% डिबेंचर बोरो कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर देखो बढ़ गया, क्योंकि जब आप डिबेंचर से बोरो करते हो तो आपको अपना पैसा कम लगाना पड़ता है। अपना पैसा कम लगाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी गिरेगा। तो डिबेंचर होल्डर का रुपया पे कमा ज्यादा रहे हैं, इक्विटी को इक्विटी का हिस्सा तो मिल ही रहा है, प्लस डिबेंचर होल्डर का सरप्लस अर्निंग भी मिल रहा है। तो जितना ज्यादा डिबेंचर होगा उतना बेटर है ना, सरप्लस अर्निंग ज्यादा आएगा। सरप्लस अर्निंग ज्यादा तो आ रहा है, प्लस नंबर ऑफ शेयर भी और कम होता जा रहा है। पहले 12 रुपया 3 लोगों में बंटता था, तो 4-4 रुपया सबको मिला। अब 10 रुपया 2 लोगों में बटेगा तो पर शेयर तो 5 रुपया हो गया। एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो गिर रहा है, एब्सोल्यूट टर्म से मतलब नहीं है, 9, 7.5, 6, 4.5, रिलेटिव टर्म्स में देखो, सी इन रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, इंटरेस्ट के कारण ही हो रहा है ना, लेकिन इसका नुकसान भी है। अगर आप अपना ईबीआईटी को ग्रो नहीं करवा पाएंगे तो उल्टा फंसेंगे। केस 1 देखो,
यहाँ पे इनफैक्ट नेगेटिव में चला गया, क्योंकि यहां पे मैं ग्रो नहीं करवा पा रहा हूं, खाली 5% ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे 5% ही है। जितना डिवेंचर होल्डर को देना उतना भी नहीं कमा पा रहा हूं। तो ये सारी बातें अच्छी कब लगेंगी? जब ईबीआईटी ग्रो करेगा। तो इसका जो प्रेजेंस है, वी नीड टू फील इट्स प्रेजेंस। प्रेजेंस अगर फील नहीं होगा ना तो फायदा नहीं है। वी नीड टू फील द प्रेजेंस। तो इसका प्रेजेंस को फील करने के लिए हमारा ईबीआईटी ग्रो करना चाहिए, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट दिखेगा फिर तुमको। तो एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज। इसका तो हम लोग लास्ट क्लास सीख चुका है। इट मेजर्स इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट का प्रेजेंस को फील कराना। तो इंटरेस्ट का प्रेजेंस को कैसे फील करवाता है? ईबीआईटी ग्रो करेगा, मेरा अर्निंग पर शेयर भी ग्रो करेगा। ईबीआईटी फॉल करेगा, मेरा अर्निंग पर शेयर भी फॉल करेगा, राइट? इट मेजर्स the effect of sales upon EBIT. और एक होता है हम लोगों का ये दोनों का प्रेजेंस को फील करवाता है। It measures the effect of sales upon earning per share. Right? क्लियर।
सर फिक्स कॉस्ट होना अच्छा बात होता है, फिक्स कॉस्ट होना अच्छा बात है, लेकिन कब? जब मेरा सेल्स, मेरा ईबीआईटी ग्रो करे। अगर ग्रो ही नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। राइट, क्लियर? सो प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट को फील करवाना है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट हो गया, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट हो गया, कंबाइंड लेवरेज मतलब दोनों का प्रेजेंस को फील करवाना है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? मतलब आप ये जो बोल रहे हैं प्रेजेंस को फील करवाना है, हाउ डज इट हेल्प इन लिफ्टिंग योर परफॉर्मेंस? हाउ डज द लेवरेज हेल्प इन लिफ्टिंग योर परफॉर्मेंस? दिस शुड बी आवर मेन टॉपिक फॉर डिस्कशन। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये फिक्स कॉस्ट होना अच्छी बात है, फिक्स खर्चा पालना अच्छी बात है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसका रीजन यही है कि इफ इफ माई अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग बाई से 15% ईबीआईटी, माई ईपीएस विल इंक्रीज बाई मोर देन 15%। तभी ना बोल रहा हूं मैं अच्छी बात है। मेरा सेल्स 20% से बढ़ रहा है लेकिन माई ईबीआईटी विल इंक्रीज बाई मोर देन 20%। तो उसी चीज को बताने के लिए मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एक बार। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी नीड टू, हम लोग को इनकम स्टेटमेंट वैसे तो आता है, राइट? अकाउंट्स में हम लोग सीखा है, बट इस बार लेट अस क्विकली ड्राफ्ट दिस इनकम स्टेटमेंट। वी फर्स्ट टेक सेल्स, राइट? इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, सीओजीएस, एंड इसको अपने वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, वीसी, राइट? तो ये जो भी आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ऑफन वी कॉल इट एज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। ये हमारा कॉस्टिंग का लैंग्वेज है, राइट? मींस सेल्स में से जो भी वेरिएबल पोर्शन है उसको हटा दो तो जो बचेगा वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें से मैं लेक्स करूंगा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जो रेंट वगैरह है, समझ गया ना? तो ये हमारा आ जाएगा ईबीआईटी। अब इसमें से मैंने लेस करना है इंटरेस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, एफसी, फाइनेंस कॉस्ट। तो ये आ जाएगा हमारा ईबीटी। अब इसमें से मैं लेस करूंगा टैक्स, तो ये नीचे जो आएगा इसको मैं बोलूंगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यही हमारा परफेस हो जाएगा, सॉरी ये ईबीटी होगा। अच्छा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो यही हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, परफेस। इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करूंगा तो मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, राइट?
सो अर्निंग पर शेयर विल बी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? सो बेसिकली सेल्स है यहां पे, कंट्रीब्यूशन यहां पे, ईबीआईटी। अगर मेरा सेल्स प्लस 20% होता है सो मेरा कंट्रीब्यूशन भी प्लस 20 होगा। क्यों? क्योंकि बीच में वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। हाँ ना, बट गिवेन द सिचुएशन दिस विल बी मोर देन 20, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। महसूस हुआ प्रेजेंस, तो सेल्स इंक्रीजिंग बाई ईबीआईटी बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। सो ये एक लीवर का काम कर रहा है टू लिफ्ट ईबीआईटी बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल। से 30%, ठीक है? अभी डज नॉट चेंज मोर देन 30%। हाँ ना, सो परफेस विल ऑल्सो चेंज बाई मोर देन 30%। एज्यूम करते हुए टैक्स नहीं है, टैक्स के कारण परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर ऑल्सो मोर देन 30%, है? सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग? ईबीआईटी इंक्रीज बाय 30, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज बाय मोर देन 30, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट। इजंट इट? क्लियर?
आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विथ ऑल ऑफ यू. इज इट ओके? सो नाउ अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो मैं बोल सकता हूं एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट फॉर विच फर्म पेस फिक्स कॉस्ट. एग्जाम्पल एसेट टेकन ऑन रेंट ठीक है. It measures the effect of sales upon EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी. ओएल ऑफ 1.8 मींस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 1.8 in the same direction. और अगर ये गिरता है तो ये भी गिरेगा. So I can also say, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ये दिया है तो ओएल 1.8 दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूला से आएगा 1.8. इसका मतलब क्या, अगर सेल्स 1% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी 1.8 से बढ़ेगा. सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो ये 18% से बढ़ेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. अगेन अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो उसका नया रिलेशन. इसको लोग DOL भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज.
ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स, पर कंपनी ए कैलकुलेट वेल, ठीक है। नाउ ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट चेंज। सेल्स 10% से बढ़ा, प्रॉफिट भी 10% से बढ़ा, फायदा क्या है? इसका मतलब फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। मैं अगला वो बताऊंगा ये क्वेश्चन कराने के बाद। हमेशा इट शुड बी ग्रेटर देन वन, ऑलवेज। सेल्स 10% से बढ़ा, प्रॉफिट 10% से बढ़ेगा, देयर इज नो इंपैक्ट। इंपैक्ट कब दिखता है? जब सेल्स 10% से बढ़ा है, प्रॉफिट 18% से बढ़ रहा है, देन वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दिस लीवर। उस आदमी को उठाने में अगर 4 आदमी का एफर्ट लगे तो फिर लीवर का फायदा क्या है? सो व्हाट आई हैव टू मेक, इनकम स्टेटमेंट ए बी सेल्स 25 लाख, 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट यहां 50%, यहां 25, कितना आएगा? 12.5 लाख, 7.5 लाख, कंट्रीब्यूशन 12.5, 22.5, फिक्स कॉस्ट 7.5,
कितना आ रहा है? पांच और साढ़े सात, सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ठीक है। तो जिसमें ऑयल ज्यादा होगा मतलब रिस्क भी वहां ज्यादा है। लेकिन इंपैक्ट भी वहां ज्यादा दिखेगा। तो कंपनी बी हैज हायर ऑपरेटिंग रिस्क एज ऑयल इज हायर एज कंपेयर्ड टू कंपनी ए। EBIT चेंजेस इन EBIT विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स इज इट ओके? बढ़िया आगे। नाउ नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, डज ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो।
वो इंपैक्ट ही नहीं दिखेगा मेरे को। मैंने आपको क्या बोला, ओएल ग्रेटर देन वन हुआ, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं अभी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी ग्रेटर देन वन है ना, कंट्रीब्यूशन को सी बोलो। ईबीआईटी कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ग्रेटर देन सी माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को इधर ले आओ, सी को इधर ले आओ। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन सी माइनस सी, देयरफॉर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो, फिक्स कॉस्ट होना ही पड़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट है नहीं, नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, सेल इंक्रीज बाय 10, ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10, दिस इज द इफेक्ट। द वर्ड इंपैक्ट एंड इफेक्ट हियर मींस डिसप्रोपोर्शनेट चेंज, उसी को मेजर करना है। Got it? तो ये जो मैंने बताया आपको, employment of an asset for which firm pays fixed cost, this was operating leverage. Employment of a fund for which firm pays fixed return, that is debenture. है ना, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट, जो हमने अभी तक बात किया किसका बात किया था, ऑपरेटिंग लेवरेज का। अब बात करेंगे हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड फॉर विच फर्म पेस इंटरेस्ट फिक्स रिटर्न। राइट, नाउ ध्यान से सुनना, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, दिस इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर में मैंने फिक्स कॉस्ट इंक्लूड किया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें मैंने इंटरेस्ट को इन्वॉल्व किया है। सही बोल रहा हूं ना, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर भी ध्यान से कॉस्टिंग करना है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करना है कि नहीं। लोग दूसरे जगह से सामान खरीदते हैं और तीसरा जगह बेच देते हैं, एक जगह से खरीद के दूसरा जगह बेच दिया, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, वहां पे जनरली फिक्स कॉस्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
अगर लोन लेके फैक्ट्री सेटअप किया तो इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड होगा, और सब कुछ अगर भाड़े पे लेके किया है तो रेंट भी होगा, थोड़ा सा भाड़ा लिया थोड़ा सा लोन में लिया तो रेंट और फिक्स कॉस्ट दोनों है इंटरेस्ट। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको ध्यान देना, उसको ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त भी ध्यान देना, उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। डिवेंचर का मैंने आपको फायदा बताया कि अगर ईबीआईटी ग्रो करेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, उल्टा भी तो पड़ सकता आप पे। तो यहां पे मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एलिमेंट को इन्वॉल्व कर रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर में। इट मेजर्स इफेक्ट ऑफ ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ठीक है, डन।
इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। OL into FL, ठीक है। जैसे सपोज करो सेल्स है, सेल्स का इफेक्ट हम लोग EBIT पे देख रहे हैं, जैसे ये सेल्स है ना, ये मेरा लुकिंग ग्लास है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मेरा EBIT। यहां पे एक और मैग्नीफाइंग ग्लास है, दिस इज ईपीएस। राइट, नाउ दिस इज माय ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। चीज बड़ी दिखती है ना, तो इफ इट इज चेंजेस बाय 1%, इट इज चेंजिंग बाय 1.8 एंड इट इज चेंजिंग बाय 4.5। यहां पे OL है 1.8, FL कितना है? FL 2.5। तो यहां पे देखो चेंज इन EBIT कितना, अगर 1 होगा तो चेंज इन EPS 2.5, लेकिन यहीं पे अगर ये 1.8 हो गया 4.5 हो जाएगा। एक के लिए 2.5, तो 1.8 के लिए 4.5। यहां पे क्या था? चेंज इन सेल 1, चेंज इन EBIT 1.8। क्लियर? तो इससे रिलेटेड हम लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा।
ठीक है, इसको स्टडी कर लीजिए। आइए, कैलकुलेट एफ एल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो आपको तीन फाइनेंशियल प्लान दिया हुआ है, ठीक है, एंड दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज। बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एवरेज। इंटरेस्ट 2000 का 10% 200, 3000 का 10% 300, 100 ईबीटी 200, 100, 300। फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक है ना, चार सौ बाय 200 कितना होगा? 2।
तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? चार वाला, लेकिन ईबीआईटी को ग्रो करवाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इस चार का मीनिंग क्या बताओ तो। चेंज इन ईबीआईटी 1%, ईपीएस कितना? फोर, या चेंज इन ईबीटी एक ही बात है। तो देखो, इसको मैं 800 कर दिया, 800 मतलब +100, 100% से बढ़ा दिया ना। ये 300 ही रहेगा, तो ये 500 आ गया। तो 100 का 500 मतलब +400% हो गया ना। सही है ना? पहले तुम्हारे लिए बेटर कौन सा है वो देखो, जिसमें एफएल ज्यादा है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। जिस रेट से बढ़ रहा है, चेंज दिखा रहा है, उस रेट से चेंज उल्टा इफेक्ट भी दिखा सकता है। इज इट ओके एवरीवन? बोलो। हाँ, चलिए नेक्स्ट केस, दूसरा एग्जांपल। सेल्स 25 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट। पांच लाख एट परसेंट डिबेंचर्स, कैलकुलेट ऑल लेवरेज। सारा निकालना है तो उसके लिए अपन को प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, है ना? पूरा एक साथ ही लंबा इनकम स्टेटमेंट बनाओ। आस्ते वेरिएबल का 60%, तो 25 लाख का 60%, 15 लाख।
कंट्रीब्यूशन 10 लाख, लेस इंटरेस्ट, साढ़े 12 लाख 8%, बोलो। डिबेंचर है ना 12.5 लाख, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट लेस किएंगे तो ईबीटी आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कितना, 10 लाख बाय 5 लाख, 2, ठीक है। ऑयल इंटू एफएल करो, देखो आ जाएगा 2 इंटू, देखो कितना आया, 2.5 आ गया ना, पांच सात नंबर का तो आएगा ही। Now, another example. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5000 यूनिट्स, एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% ऑफ कैपेसिटी, सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, ओएफसी मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट,
ठीक है। सिचुएशन वन बोलता है 5,000, सिचुएशन टू बोलता है 15,000। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान दो है, एक्स एंड वाई। इक्विटी 25, टेन परसेंट डेप्ट 75, इक्विटी 75, कैलकुलेट ओएल, एफएल एंड सीएल। फॉर ईच ऑफ द कॉम्बिनेशंस ठीक है। अभी आपको समझना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्या क्या है। एक तरफ आप देखिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लो है, एक तरफ देखिए हाई है। इधर में इंटरेस्ट हाई है, इधर में इंटरेस्ट लो है। तो एक होगा लो हाई, हाई लो, लो लो, हाई हाई। तो राइट, उसके पहले 3,000 यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंस्टॉल्ड कितना से फर्क नहीं पड़ता, एनुअल प्रोडक्शन उसको देखना पड़ेगा। सेल्स 3,000 इंटू 25, 75, 3,000 इंटू 15, 45। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 30। कहानी यहां से बदलेगा, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। हाँ ना, सॉल्यूशन ये नोट वन बना लेना। ये हमारा नोट वन बनेगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ लेवरेज अंडर
डिफरेंट ऑप्शंस, सिचुएशन वन में एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, सिचुएशन टू में एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, या उल्टा भी कर सकते हो, एक्स में सिचुएशन वन टू, वाई में सिचुएशन वन टू, है ना? सिचुएशन मतलब लो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, हाई फाइनेंस कॉस्ट, लो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, लो फाइनेंस कॉस्ट, हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, हाई फाइनेंस कॉस्ट, हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, लो फाइनेंस कॉस्ट, इज इट फाइन? हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन 30 30 30 30 OFC 5, ये दोनों सिचुएशन वन है, 15 15 25 25 15 15 एक्स वाला केस में इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,500, वाई वाला में 2,500, 10% ऑफ 75, 10% ऑफ 25, देखो दोनों में टोटल कैपिटल 1,00,000 ही है, एक्स में आएगा 7,500, इधर में एक्स है 7,500, ओएल एफएल सीएल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी, ओएल इनटू एफएल, ठीक है? सो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज
1.20 2 2, शायद यही आएगा, देख लो। है आज से बात नहीं। पक्का? पच्चीस हजार बाई 17,500। ये वन पॉइंट ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, बट मुद्दा मैं समझा दूंगा। अगर आप अभी गौर से देखेंगे, सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है जब दोनों हाई है? टू रिस्की। सबसे ज्यादा लो क्या है? टू मच कंजर्वेटिव। ये तो समझ में आता है कि जो रिस्क लेगा उसी का पैसा बनेगा, बचा ये दोनों 1.7 एंड 2.4 में बेस्ट कौन सा है? नहीं, यहां पे फाइनेंस ये ऑलरेडी हाई पे है, एफसी लो में। अब जब तुम यहां पे जैसे ही गियरिंग बढ़ाएगा तो हाई हाई हो जाएगा, तो टू रिस्की में चले जाओगे। तुम्हारा ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, अब तुम अगर अपना गियरिंग बढ़ाते हो तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई हो जाएगा, ऑपरेटिंग भी फाइनेंस दोनों हाई हाई, तो टू रिस्की में आ जाओगे ना। तो बेटर यही होता है, कीप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल एंड इंक्रीज द गियरिंग। गियरिंग में खेलो, डिवेंचर वाला फाइनेंशियल प्लान में खेलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट में मत खेलो। ठीक है, हाँ या ना बोलो। पक्का? अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं।
ऑपरेटिंग लेवरेज लो हाई, फाइनेंशियल लेवरेज लो हाई, दिस इज कंजर्वेटिज्म। टू रिस्की, ऑपरेटिंग रिस्क इज हाई। हाँ, विथ इंक्रीज इन गेयरिंग वी विल मूव टू, रिस्की में आ जाएंगे, ऑलरेडी ऑपरेटिंग रिस्क हाई है, गियरिंग बढ़ाते ही आप कहां चले जाएंगे, हाई हाई में चले जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन, कीप ऑपरेटिंग रिस्क एज लो एज पॉसिबल एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ गियरिंग टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। ऐसा बात नहीं है कि यहां पे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज नहीं होगा, होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की है। मूव टू टू रिस्की सिचुएशन अगेन, वापस हम लोग टू रिस्की में आ जाएंगे ना। इज इट फाइन एवरीवन? ठीक है, बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, नेक्स्ट क्लास और करवाएंगे। बाय।